हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी फॉर यू ब्लॉग पर। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि आखिर मकान बनाते समय किस किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, वो भी खासकर ईंटों पर। तो आपने देखा होगा कि आपको यदि मकान बनाना है तो आप कोई भी ठेकेदार या किसी भी कॉन्ट्रेक्टर से ईंट करवा लेते हो और ये चेक नहीं करते कि उसमें भार कितना रहता है और ईंटों की क्वालिटी किस प्रकार की होती है और किस चीज़ से पक्की हुई होती है। तो मैं आज सबको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार की ईंट में कितना वजन होता है और उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरी वीडियो पे, मैं दिखाऊंगा आपको। दोस्तों देखिए, अभी हम लाएंगे कांटा और कांटे में बराबर ईंटा रखेंगे, कौन सी ईंटा किस चीज़ से पकी हुई है और कितनी इसमें फिनिशिंग है। तो अभी दिखाते हैं। अभी अभी कांटा ला लिया है और अभी हम लाएंगे ईंटा। ईंटा बारी बारी से आपको दिखाएंगे कौन सी ईंटा किस चीज़ से पकी है और कितनी फिनिशिंग है और कितना उसका वेट है और कितना वेट तक ईंटा हमको मकान में लगाना चाहिए। देखिए ईंटा, और ये वाली ईंटा देखिए नागपुरी ईंटा है, जैसे कि आप मार्का देख सकते हैं, ये रखड़ से बनी हुई है और इसको हम अभी रख रहे हैं वाट पे। तो इसका वज़न देखिए 2 किलो 618 ग्राम है, तो 2.5 किलो के आसपास ये ईंटा है। और अभी हम दूसरी ईंटा रखते हैं थोड़ा, और ये ईंटा देखिए, ये धान के भूसे से पकी हुई ईंटा है और इसका वजन है 3 किलो 190 ग्राम। तो ये देखिए, इससे भी हैवी वेट है। और ये नागपुर वाली जो ईंटा है ये कोयले से पकी हुई, और ये है धान के भूसे से पकी हुई ईंटा, ये देखिए मोदी ब्रांड। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और ये है BM6 ब्रांड। और अब हम रखेंगे देसी ईंट जो कि लकड़ी से पकी हुई है, ये देखिए इसका वेट है 2 किलो 967 ग्राम और इसका मार्का है देखिए PMB। और अभी हम दिखाएंगे सीमेंट की ईंट, लग रहा ना ही से पकाई जाती है, देखिए इसे सुखाई भी, ये देखिए सीमेंट की ईंट और इसका वेट है 2 किलो 825 ग्राम। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे हल्की ईंट अभी दिखाएंगे, ये देखिए 2 किलो 600 ग्राम। और इसको चढ़ा देख लेते हैं, सबसे हल्की ये रखड़ से बनी हुई है और ये देखिए कोयले से पकी हुई है, इसमें रखड़ की मात्रा ज़्यादा है इसलिए सबसे हल्की ईंट है। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हल्की ईंट का इस्तेमाल करें। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। और ये हल्की ईंट के चलते ये उतने ज़्यादा मजबूत भी है, जैसे कि आप देखते हैं क्वालिटी इसकी एकदम हल्की और एकदम मजबूत है। और उसी प्रकार हम दिखा देंगे 6 इंची ईंटा, ये गट्टू में है और इसका भी हम वेट नापेंगे कितना है। ये देखिए इसका वेट है 4 किलो 752 ग्राम। छः इंची ईटा है। तो देखिए, अभी ये है पानी में गीली हुई भीग चुकी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो ये सब गीली हो गई। कम से कम इनमें 200-200 ग्राम वजन एक्स्ट्रा बढ़ चुका है पानी की गीली होने के कारण। तो ये देखिए, ये मोदी ब्रांड, ये भसुआ से बनी हुई है और ये है पानी वाली ईटा जो पानी लगा के बनाते हैं सांचे पे ये। और ये भी है देसी ईटा, ये भी भसुए वाली है। और ये देखिए, ये है सेमड़ वाली ईटा, और ये सीमेंट वाली ईंटा में फिनिशिंग भी नहीं है उतना ही देख सकते हैं। और सीमेंट वाली की ईंटा की 30-40 साल के बाद इसकी उम्र हो जाती है और ये बगड़ने लगती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मिट्टी की ईंटा लगाएं, मिट्टी की ईंटा की कोई उम्र नहीं होती, ये देखिए ये अमर जमर हो जाती है एक बार लग गई मकान में तो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।